दोस्तों आज की इस क्लास में एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में मौजूद तीन खास टॉपिक्स हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या है दोस्तों? ये है एक एडवांस्ड लिंकिंग, दो अलग अलग फाइल्स को एक साथ कनेक्ट करने के लिए हम हाइपरलिंक का उपयोग करते हैं। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट फाइल्स विद ईच अदर इन अ सिंपल मैनर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे सामने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, यू कैन यूज सेक्शन ब्रेक टू चेंज द लेआउट ऑफ फॉर्मेटिंग एक्सेट्रा, इस तरह की चीजें। बाय द एंड ऑफ दिस पैराग्राफ हम क्या देख रहे हैं, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल इन एमएस एक्सेल। अब मान लीजिए एमएस एक्सेल एक नई चीज है आपके लिए और आपको नहीं मालूम है कि एमएस एक्सेल होता क्या है, तो अब इस एमएस एक्सेल की डेफिनेशन वाली फाइल को हम इस वर्ड के साथ कनेक्ट करके रख सकते हैं ताकि कोई इस पर कनेक्ट करे तो एमएस एक्सेल की फाइल खुल जाए। तो देखते हैं कैसे। तो इस एमएस एक्सेल को हमें कनेक्ट करना है, हम गए हाइपरलिंक ऑप्शन पर। दोस्तों अब आपको जाना है डेस्कटॉप ऑप्शन पर, उस जगह पर, उस लोकेशन पर जाना है जहां पर आपने इसकी सेकेंडरी फाइल को रखा हुआ है। ये देखिए एमएस एक्सेल, उस फाइल को सेलेक्ट किया आपने, कर दिया ओके। अब आप देखेंगे कि इस वर्ड का कलर चेंज हो चुका है। आप इस पर जैसे जाएंगे तो ये आपको एक लिंक शो कर आ रहा है। आप कीबोर्ड में कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे तो जिस फाइल को आपने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है वो फाइल आपके सामने खुल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका हाइपरलिंक। देखिए एमएस एक्सेल की डेफिनेशन आपके सामने आ गई, आपने एमएस एक्सेल को कनेक्ट किया था, तो इस प्रकार से। चलिए कुछ और करके देखते हैं। हमने किसी और वर्ड को सेलेक्ट किया, इंसर्ट में हाइपरलिंक पर गए। अब आप किसी भी फाइल के साथ इसे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो फाइल आपको सर्च आउट करना है कि आपने उसे रखा कहां पर। चलिए हमने इस डेस्कटॉप नाम की फाइल को ले लिया, हमने यहाँ पर लिया इमेज है। कंट्रोल प्रेस करके आप इमेज इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने इमेज को सेलेक्ट किया है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी इस तरह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हाइपरलिंक समझ में आया होगा। अब हम करते हैं सेकेंड ऑप्शन जो कि है बुकमार्क। बुकमार्क होता क्या है दोस्तों? याद कीजिए जब आप लोग स्कूल डेज में थे, हम लोग स्कूल डेज में थे तो होता क्या था, कुछ चैप्टर्स हमारे क्लास में ऐसे होते थे जो सेम क्लास में कंप्लीट नहीं होते थे, तो टीचर क्या कहते थे, उस पर मार्क लगा दो, निशान लगा दो। तो हम निशान कैसे लगाते थे, या तो पेज को फोल्ड कर देते थे या फिर जहां तक पढ़ा है वहां पर पेन या पेंसिल से मार्किंग कर देते थे। लेकिन आप अज्यूम कीजिए आपके कंप्यूटर के अंदर कोई डिजिटल फॉर्म में फाइल है, मान लीजिए वो फाइल मोर देन 100 पेजेस की है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एक दिन में पढ़ पाए उसे या फिर एक पीरियड में पढ़ पाए। तो कंप्यूटर में हम मार्किंग कैसे करेंगे, तो क्या आपने जितना पढ़ लिया उतने को डिलीट कर देंगे क्या, या फिर उतने का कलर चेंज कर देंगे? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम उस पर लगाएंगे बुकमार्क। तो सबसे पहले यहाँ पर अभी देखेंगे हमारा पेज कितना, एक है, इसे मल्टी पेज की एक फाइल बनाएंगे, इसी को हमने सेलेक्ट किया और इसी को मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर देंगे ताकि हमारे पास एक मल्टी पेज की फाइल बन जाए। ठीक है, अब ये देखिए 143 पेजेस की फाइल बन गई है। मैंने इसे क्या किया, बहुत बार कॉपी पेस्ट कर दिया और इसने अचानक से हमारे लिए इतने पेजेस की फाइल को बना दिया है। अब हम अज्यूम करते हैं आज हमने कहाँ तक पढ़ा है, इसे यहाँ तक पढ़ लिया है, इस जगह तक। तो जहां तक पढ़ा है उस पोर्शन को सेलेक्ट करना है, जाना है बुक मार्क ऑप्शन पर। अब यहाँ पर आपको एक नाम देना है, मैंने नाम दिया D1। दोस्तों आप कोई भी नाम दे सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं या कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं खास फॉर्मेट को ही यूज करता हूँ, D1, D2, D3, जस्ट बिकॉज ऑफ। मान लीजिए आपने 10 बुकमार्क्स लगा दिए, अजय के नाम से, प्रिया के नाम से, विजय के नाम से, इस तरह से बहुत सारे नामों से, तो आपको फिर भी दिमाग में टेंशन रखनी होगी। कैसी टेंशन, आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने फर्स्ट डे किस नाम से बुकमार्क लगाया था, सेकंड डे किस नाम से लगाया था, थर्ड डे किस नाम से लगाया था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट का यूज किया है जिसमें D1, D2, D3 का हम उपयोग करते हैं और ये नंबरिंग हमें बताता है कि फर्स्ट डे का बुकमार्क कौन सा है और थर्ड डे का बुकमार्क कौन सा है। आप इसके सामने जरूरी नहीं डी लिखे, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना नाम भी यूज कर सकते हैं। अब करेंगे ऐड, आपने ऐड कर दिया दोस्तों, अब अपनी फाइल को करना है सेव। आप इसे जैसे ही सेव करके डेस्कटॉप पर या जहां भी रखना चाहते हैं आप इसे रखेंगे। चलिए मैंने इसे रख दिया ओके नाम से, फाइल को करेंगे हम क्लोज। अब इस फाइल को हम जब भी फ्यूचर में, जब भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, सब ठीक कर लेते हैं। इस फाइल को हम फ्यूचर में जब भी ओपन करेंगे
अब हमें तो याद नहीं कि लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, कहाँ पर मार्किंग की थी। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं दोस्तों, आप इंसर्ट में जाएंगे, बुक मार्क ऑप्शन पर जाएंगे तो आप देखेंगे जिस नाम से लगाया था उस नाम को सेलेक्ट करना, देन गो टू पर क्लिक कर देना है। तो ये आपको उसी लोकेशन पर छोड़ देगा जहां पर आपने बुक मार्क लगाया था। अब नेक्स्ट डे आपने क्या किया, आज आपने इसे मानते हैं कि चलिए आज आपने इसकी पढ़ाई की है कहाँ तक, यहाँ तक आपने इस जोन को सेलेक्ट किया, आप गए बुक मार्क पर, आज आपने नाम दे दिया D2 एंड सेलेक्ट कर, दोबारा कंट्रोल सेव करके फाइल को क्लोज। अब आप जब भी आएंगे नेक्स्ट टाइम अपनी फाइल को खोलेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, बुक मार्क पर जाएंगे और ये देखिए D2 है, इसे सेलेक्ट करके Go To, तो आपको ये उस लोकेशन पर छोड़ देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों आपको बुक मार्क भी समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि हम उसका जल्दी से जल्दी समाधान आपको उपलब्ध करा सके। अब बात आती है साथियों क्रॉस रेफरेंस की। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों आप लोगों को, क्रॉस रेफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम रेफरेंस शब्द के मतलब को समझते हैं। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, इशारा, बताना, कहना, समझाना, ठीक है। इस वर्ड का सबसे ज्यादा उपयोग आप लोगों ने सुना होगा हॉस्पिटल्स में, जब कहते हैं डॉक्टर्स ने रेफर कर दिया। रेफर का मतलब कोई एक पेशेंट है जिसका जिसके कंडीशन के हिसाब से वैसी कोई मेडिसिन दवाई या फिर उसका वो इलाज किसी खास हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, तो डॉक्टर्स उसे प्रॉपर रेफर करते हैं कि आप इस पेशेंट को उस हॉस्पिटल में लेकर जाइए। दैट इज कॉल्ड रेफरेंस। मतलब डॉक्टर ने इशारा किया, बताया, आपको कहा कि उस हॉस्पिटल में लेकर जाइए। तो रेफरेंस शब्द का मतलब क्लियर हो गया दोस्तों। अब इस रेफरेंस की वजह से होता क्या है, मान लीजिए आपको उस रेफरेंस की वजह से 10 किलोमीटर दूर किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ा, तो डैम श्योर हूं कि इस 10 किलोमीटर के दायरे को कवर करने के दौरान रास्ते में और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स पड़े होंगे, लेकिन आपने उन्हें क्या किया, छोड़ा, क्रॉस किया, जंप किया। क्यों? क्योंकि आपको रेफरेंस मिला है किसी खास हॉस्पिटल का, तो इसी को कहा जाता है क्रॉस रेफरेंस। अब इसका उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों, हाइपरलिंक में आपने किया, दो अलग अलग फाइल्स को जो कि इंडिपेंडेंट फाइल से सेपरेट फाइल थी उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए। लेकिन क्रॉस रेफरेंस का उपयोग हम किस लिए करते हैं, क्रॉस रेफरेंस का उपयोग किया जाता है एक ही डॉक्यूमेंट के दो अलग अलग पेजेस को कनेक्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है इसका। क्रॉस रेफरेंस करने से पहले आपको सबसे पहले करना क्या है, मल्टीपल पेजेस का एक डॉक्यूमेंट लेना है, उसमें पहले पेज को छोड़ देना है ब्लैंक। फर्स्ट पेज को ब्लैंक छोड़ने के लिए हम उपयोग कर रहे हैं यहाँ फर्स्ट में आकर हमने यहाँ स्टार्ट में क्लिक किया और पेज ब्रेक की मदद। अब हुआ क्या, हमारा पहला पेज हो गया खाली। अब उसके बाद आप अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जाएं, किस कुछ खास वर्ड्स को लेकर आप बुक मार्क लगाएं। चलिए हमने माना यहाँ पर एक ब्रेक्स वर्ड है, हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, अब हम गए बुक मार्क। तो आपने जिस वर्ड को सेलेक्ट किया उसी नाम से आप बुक मार्क को यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों। अब समस्या ये है, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको बुक मार्क बताया तो उसमें मैंने कहा आपको D1 D2 या इस तरह से 1 2 3 का कुछ यूज करना है, लेकिन क्रॉस रेफरेंस में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, या फिर कहा ऐसा इसलिए नहीं कहा दोस्तों क्योंकि क्रॉस रेफरेंस आपके लिए बनाता है आपके ब्लैंक पेज पर, जो आपने सबसे पहले पेज पर छोड़ा है वहां पर टॉपिक के हिसाब से आपके लिए वो इंडेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स में अगर हम D1 D2 लिखेंगे तो हमें समस्या होगी, हमें याद रखना पड़ेगा कि D1 में कौन सा टॉपिक है और D2 में। इसीलिए मैं मेन टॉपिक्स के नाम देते हुए चल रहा हूँ ताकि हम इन टॉपिक्स के हिसाब से ही वहां पर मार्किंग कर सकें और जिस खास टॉपिक पर हमें जाना है उस पर क्लिक कर सकें। ब्रेक्स का नाम दिया, एड कर दिया, अब हम फिर से चल रहे हैं डाउनवर्ड। अब यहाँ पर मैंने न्यू पेज ऑप्शन या फिर डिजाइन ऑप्शन इसे सेलेक्ट किया, हम गए फिर से बुक मार्क पे और इसका नाम डिजाइन। दो बुक मार्क हो गए दोस्तों। चलिए इसी पर ही हम अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। अब हम गए फर्स्ट नंबर पेज पर, यहाँ पर आपको आकर पहले नंबर पेज पर आने के बाद आपको ऐसे क्लिक करना है। अब आपको जाना है क्रॉस रेफरेंस में, क्रॉस रेफरेंस में जाने के बाद रेफरेंस टाइप में आपको चूज करना है बुक मार्क, और यहाँ पर देखिए तो अब आ रहा है ब्रेक डिजाइन। आपने सबसे पहले ब्रेक को सेलेक्ट किया, इंसर्ट कर लिया और क्लोज किया। क्लोज मैंने इसलिए किया ताकि एंटर करके अब मैं अगली लाइन में पहुंच पाऊँ। फिर हम गए इसी में, हमने सेलेक्ट किया डिजाइन, देन इंसर्ट और फिर से क्लोज, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम आ गए क्रॉस रेफरेंस, हम मल्टीपल पेजेस वाली फाइल को आपस में कनेक्ट करने के लिए करते हैं। जैसा कि मैंने ब्रेक वाले वर्ड को कनेक्ट करके उस पैराग्राफ से, तो कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करके रखना है आपको। अब आप इस वर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपको उस टॉपिक पर ले जाकर ड्रॉप कर देगा, ये देखिए दोस्तों।
ये कितने नंबर पेज पर आ गए, पेज नंबर 13 पर आ गए एक ही बार में। अगर आप स्क्रॉल करके आते तो इसमें लगता टाइम, लेकिन इसने क्या किया आपको एक ही बार में वहां पर पहुंचा दिया। ठीक इसी तरह से कीबोर्ड में कंट्रोल दबाकर रखेंगे आप, प्रेस करके रखेंगे और उसके बाद डिजाइन वर्ड्स पे क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए आपने डिजाइन जहां पर सेलेक्ट किया था उस जगह पर लाकर शो हो जाएगा। ये देखिए पेज नंबर 32। ठीक है दोस्तों, तो इसे कहते हैं क्रॉस रेफरेंस। अब सवाल ये उठता है कि क्रॉस रेफरेंस करने की हमें जरूरत ही क्यों पड़ती है, इसके लिए समझते हैं। अब देखिए मान लीजिए आप कहीं ट्यूशन पढ़ते हैं, अब थ्रू आउट द ईयर आपको एक एक चैप्टर एक एक पेज पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर आप 2 दिन बाद आपका कोई एग्जाम है तो हर चैप्टर हर पेज को पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाता है, कुछ खास चैप्टर्स को उठाया जाता है जिसका रिवीजन या बैकअप क्लासेस आपको दी जाती हैं। अब वो क्लासेस मान लीजिए कोई डिजिटल फॉर्म में है, हमारा कोई डॉक्यूमेंट है जिसे हमें रीड आउट करना है, तो एक एक पेज को याद रखना या फिर चैप्टर नंबर को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। देखिए ना 144 पेजेस की एक फाइल है, इसमें हर पेज पर या फिर हर चैप्टर के नाम या पेज नंबर को याद करना पड़ा बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए हमने क्या किया, उस चैप्टर के नाम के हिसाब से हमने बुक मार्क लगाया और उसी के हिसाब से यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस की मदद से टॉपिक को इंसर्ट कर लिया है। अगर मैं यहाँ पर D1 लिखता तो आपको दिक्कत होती ना कि D1 में न जाने कौन सा टॉपिक है। अब यहाँ पर देखिए ब्रेक्स, मान लीजिए आपका कोई चैप्टर है जो ब्रेक्स के नाम से है, मान लीजिए आपका कोई चैप्टर है जो डिजाइन के नाम से है, मान लीजिए कोई चैप्टर है जो मोशन के नाम से है, जो एक्सेलरेशन के नाम से है, जो वेलोसिटी के नाम से है, तो आप उसका नाम यहाँ पर इंसर्ट कराते। अब मान लीजिए आपको डिजाइन के बारे में पढ़ना है, तो आपने कीबोर्ड पर कंट्रोल प्रेस किया और इस पर क्लिक कर दिया तो सीधा डिजाइन वाले टैब पर छोड़ देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी। और अगर आपके कोई भी डाउट है तो प्लीज आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर अपनी प्रॉब्लम को बताएं, जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन देंगे। एंड डोंट फॉरगेट to subscribe the channel।